हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रॉन्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्पेशल डायोड से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डायोड्स होते हैं ना, जो नॉर्मल डायोड्स होते हैं। जैसे एक होता है पावर सेमी कंडक्टर, डेट्स कॉल्ड पावर डायोड्स हो गया, एंड एक होता है नॉर्मल डायोड्स। पावर डायोड्स जो होते हैं ना, वो हाई वोल्टेज हाई करंट पे वर्क करते हैं ना, क्योंकि उसका नाम पावर डायोड्स मीन्स पावर मीन्स क्या होता है, पी इज इक्वल टू वी इनटू वाई होता है ना, तो उसकी वोल्टेज भी हाई होगी, उसकी करंट भी हाई होगी। तो अपने को वहां पर भी स्टडी नहीं करना, वो ज्यादातर इलेक्ट्रिकल वाले स्टडी करते हैं। लेकिन कभी कभी मैं देखा हूँ कि एससीआर वगैरह से क्वेश्चन पूछ देता है, एससीआर थायरिस्टर हो गया, डायरेक्ट ट्रैक वगैरह से पूछता है, उसे बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि बताओ डायरेक्ट कितने टर्मिनल का डिवाइस है, ट्रैक कितने टर्मिनल का डिवाइस है, उसमें कौन कौन सा लेयरिंग होता है, कितने लेयर का डिवाइस है ना। तो ये सब सारे क्वेश्चन बनते हैं उससे, पावर डायोड्स जो होता है पावर सेमी कंडक्टर, तो वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसा करूंगा कि अभी एक स्पेशल डायोड्स मैंने लेकर आया, इसमें मैंने बेसिक बेसिक डायोड्स उठाया जो नॉर्मली क्वेश्चंस में पूछता है। जैसे एलईडी के बारे में पूछा जाता है, फोटो डायोड क्या होता है, सोलार सेल क्या होगा, जेनर डायोड क्या होता है, टनल डायोड क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह जो भी है, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आएंगे ना उसे पूछता है। ओके ना, तो क्वेश्चंस कुछ एक से दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आप या तो आरआरबी जेई का एग्जाम ले लो या फिर कोई भी अदर स्टेट एजेई का एग्जाम ले लो, ठीक है ना। हर स्टेट एजेई में वो आपको पूछेगा ही पूछेगा स्पेशल डाउट से क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम लोग पावर डायोड्स को स्टडी नहीं कर रहे हैं, पावर डायोड का स्टडी हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना। इन केस उसको, क्योंकि मैं इसमें इस चैप्टर में जो आपने एडीसीए स्टार्ट किया ना, इसमें मैंने उस चीज को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन चलो अगर है तो उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनता है तो मैं उसे भी बना दूंगा, लास्ट में उसको मैं कर दूंगा। ओके, चलो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो एंड अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है ना। अगर एक एक लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा तो। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं। सबसे पहला तो आपको सबसे पहले अगर स्पेशल डाउट्स के बारे में स्टडी करना है ना, पहला फर्स्ट पॉइंट कि आपको स्पेशल डाउट्स आप पढ़ो, ठीक है ना। स्पेशल डाउट्स तो आपको क्या स्टडी करना है, स्पेशल डाउट्स के बारे में स्टडी करना। तो इसमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसे आप अगर स्पेशल डाउट्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, शुरू करोगे, तो आपके पास बहुत सारा, जैसे आपने पी इंजेक्शन डायोड पढ़ा तो बहुत ही डीपली वे में आपने पढ़ा, क्या उसमें स्ट्रक्चर वगैरह किस तरीके से बनता है, एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में स्टडी किया आपने, बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया ना, तो हर चीज के बारे में आपने, हर पॉइंट्स टू पॉइंट्स आपने डील किया। लेकिन जब आप स्पेशल डायोड्स के स्टडी करते हो तो वहां पे आपको इतने डीपली वे में स्टडी नहीं करना, क्योंकि पी इंजेक्शन डायोड्स एक अलग है एंड स्पेशल डायोड्स एक अलग, ठीक है ना। उसको मैं इससे कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। आपने पी इंजेक्शन डायोड पढ़ा तो पी इंजेक्शन के तरह ही लगभग सभी डायोड्स ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। जो वर्किंग प्रिंसिपल पी इंजेक्शन डायोड का, सारा वर्किंग प्रिंसिपल लगभग जो सिमिलरिटी होगी, ठीक है ना, सब में सिमिलरिटी होगी। एंड एलईडी वगैरह, फोटो डायोड जो भी पढ़ूंगा, टनल डायोड पढ़ूंगा, जेनर डायोड पढ़ूंगा, तो हर की प्रिंसिपल जो होगी ना कहीं ना कहीं सिमिलर मिलेगा, तो मैं आपको वहां से रिलेट कराऊंगा। ओके, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एलईडी। तो एलईडी को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना, जैसे कभी भी आप इनकेस कहीं से भी आप स्पेशल डायोड्स पढ़ो तो तीन चार पॉइंट्स का ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि उसके बारे में उसका सिंबल क्या होता है ना, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, उसका सिंबल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। मान लो सपोज आपने एलईडी को लिया तो एलईडी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड द सिंबल, ठीक है ना। तो हम लोग सिंबल को किस तरीके से रिप्रेजेंट, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, एक सिंबल दे देगा एंड बोलेगा कि विच वन इज द फॉलोइंग दिस, है ना, इस तरीके क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको सिंबल के थ्रू पूछ देगा क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट्स क्या पूछता है कभी कभी मैंने देखा है, फिर सेकंड पॉइंट्स पूछेगा कि किस रीजन में वो वर्क कर रहा है। रीजन मीन्स जैसे दो रीजन होता है ना, एक फॉरवर्ड बायस एक रिवर्स बायस, आपने दो रीजन पढ़ा था तो इसमें कौन सी रीजन पे ये वर्क करता है ना, जैसे फॉरवर्ड बायस हो गया या फिर देन कह लो कि रिवर्स बायस, कौन सी रीजन पे ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है ना। यानी कह लो कि वर्किंग प्रिंसिपल ये पूछ रहा है। तो थर्ड पॉइंट जो पूछेगा कि कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है ना, वर्किंग प्रिंसिपल पूछेगा कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है ना वर्किंग प्रिंसिपल। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दूँ कि वर्किंग प्रिंसिपल आखिर होता क्या है। तो आपने एलईडी पढ़ा, आप एलईडी पढ़ोगे तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब कि क्या हो रहा है कि लाइट को इमिट्स कर रहा है डायोड्स, है ना, वैसा डायोड्स, दैट डायोड्स व्हिच इमिट्स द लाइट्स, दैट्स कॉल्ड लाइट इमिटिंग डायोड। हम लोग सिंपल डेफिनेशन ये कर सकते हैं बाय द नेम, है ना, हम नेम से ये डिफाइन कर सकते हैं कि एलईडी क्या होता है। तो आपको क्या मिल रहा है, आपने उसमें वर्किंग प्रिंसिपल में क्या देखा कि वो लाइट को इमिट कर रहा है, लेकिन किस बेसिस पे इमिट्स कर रहा, कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे वो इमिट करता है, ठीक है ना। जैसे आपने एक नॉर्मल पी इंजेक्शन डायोड पढ़ा तो नॉर्मल पी इंजेक्शन डायोड एक एलईडी की तरह ट्रीट क्यों नहीं करता है, एक पहला क्वेश्चन तो राइज हो सकता है। तो हर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स करूंगा एंड जवाब दूंगा, ठीक है ना। हर जो वाई का आंसर होगा ना मैं यहाँ पर दूंगा, कोशिश करूंगा मैं। चलो फिर ये चार पॉइंट, एक और पॉइंट ले लो फर्स्ट फोर्थ पॉइंट्स की, इसके लिए कुछ अगर स्पेशल नाम है ना, स्पेशल चीज कुछ के लिए, मान लो सब कुछ ऐसा डायोड्स होता है जिसके लिए कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उसको वहां पे डिफाइन कर दो, उसको वहां बताओ। यानी चार पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना, डेट्स कॉल्ड इसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हो ना, स्पेशल को आप इसको प्रॉपर्टी कह लो, ठीक है ना।
प्रॉपर्टीज जो एक डायोड्स को शो करती है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो चार पॉइंट्स को सामने रखकर आपको हर डायोड्स के बारे में स्टडी करना, क्योंकि आपको ज्यादा डीपली वे में नहीं पढ़ना। आपको यहाँ से पूरा अंतर का डीपली नहीं पूछता, आपको ओवरव्यू की तरह पूछेगा, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से बताऊं एंड हर वक्त प्रिंसिपल को आपको एलेबोरेट करूं अच्छे से, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला डायोड हमारा रहेगा वो लाइट मीटिंग डायोड, दैट्स कॉल्ड एलईडी रहेगा, ओके ना। तो फर्स्ट वन इज एलईडी, एलईडी, ठीक है ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, एलईडी स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड, आप शुरू से जानते आ रहे हो, इसको शुरू से पढ़े हो आप। तो लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि बताओ एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलईडी स्टैंड फॉर दिस, चार ऑप्शन दिया रहेगा। तो लाइट इमिटिंग डायोड, कभी कभी पूछता है लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है ना, लेजर हो गया, सोनार हो गया, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। लेजर मींस क्या होता है, सोनार मींस क्या होता है ना, साउंड जो अपना होता है ना, लेजर, लेजर हो गया, सोनार हो गया, इस तरीके से जितने भी फुल फॉर्म होते हैं ना, तो फुल फॉर्म पे ज्यादा फोकस करना, कभी कभी यहाँ से पूछ देगा, ठीक है। तो ये अपना एलईडी होता है जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया। अब एलईडी दिखता कैसे, ओके ना। एलईडी का अगर मैं सिंबल्स की बात करूं, तो सिंबल जो अपना होगा, नॉर्मल डायोड्स आप बनाते हो ना, ये अपना नॉर्मल डायोड्स हो गया। एंड क्योंकि एलईडी क्या करता है कि लाइट को इमिट करता है ना, तो आपको लाइट बाहर की तरह डायरेक्शन में दिखाना है। नॉर्मल डायोड बनाना, पीएन जंक्शन डायोड बनाना, ऊपर में एक डायरेक्शन दे देना, दैट्स कॉल्ड इमिट कर रहा हो लाइट को, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना ये हो गया, सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूँ किस प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है ना, तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, लिखो यहाँ पर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इलेक्ट्रो ल्यूमिनेस, ल्यूमिन सेंस, है ना, ल्यूमिनेसेंस। तो ये जो वर्किंग प्रिंसिपल होती है ना, इसके इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंस पे होती है। जैसे कि मैं आपको इसका सिंपल मीनिंग बता दे रहा हूं। मान लो सपोज इसमें क्या करते हैं, मान लो ये हमारा एक एलईडी है ना, इन केस मान लो मैंने इसमें, ये आपका एलईडी है, जैसे ही इसको बायसिंग करोगे ना, अब कौन सा बायसिंग करना मैं बताऊंगा आपको। जैसे इसको बायसिंग करोगे ना, तो ये क्या करता है कि लाइट्स इमिट करेगा। अब ऐसा नहीं कि नॉर्मल डायोड्स की तरह, मान लो जैसे नॉर्मल डायोड किसके किससे बनाते हो, सिलिकॉन से या जर्मेनियम से बनाते हो, है ना, एक पीएन जंक्शन डायोड सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम उससे बनाते हो। लेकिन ये जो अपना डायोड होगा ना, ये डायोड दूसरे मटेरियल से बनेगा, यानी कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बनेगा। आपने नॉर्मल जो सेमीकंडक्टर पढ़ा, नॉर्मल जो डायोड्स पढ़ा, पीएन जंक्शन डायोड, वो सिंपल एक सिंगल क्रिस्टल से बनता था, या तो सिलिकॉन हो या फिर वो जर्मेनियम हो। लेकिन अपना जो एलईडी होता है ना, वो कंपाउंड क्रिस्टल से बनेगा, दैट्स कॉल्ड गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है ना। तो किस मेथड से, किस कंपाउंड से बनेगा वो, गैलियम आर्सेनाइड, GaAs से बनता है, ठीक है। तो जो इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, मैं उसका सिर्फ बताऊंगा आगे जाकर। तो मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या, इसका क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना, इट कन्वर्ट्स, या फिर पूरा लिखो इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, ओके ना। इसका मेन प्रिंसिपल क्या कि ये सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल क्या, इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंस, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये क्या करता है कि लाइट्स को इमिट करेगा, ठीक है ना। मैं उसको टेक्निकल वर्ड्स मैंने वहां पे लिख दिया, लेकिन सिंपली मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को, सॉरी लाइट को इमिट करेगा, ओके ना। तो ये अपना हो गया। एंड ये जो इसका वर्किंग क्या होता है कि ये लाइट्स को, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा ये लाइट एनर्जी में, ओके ना। थर्ड पॉइंट में अगर बात करूं इसका, ये जो होता है ना, एक और चीज निकालता है ना, एक और रेडिएट करता है ये जैसे पहला तो ये लाइट को इमिट करेगा, सेकंड क्या करता है कि इन्फ्रारेड को जनरेट करता है। इन्फ्रारेड क्या होता है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दूं, आपने कभी ना कभी, आपने घर में, आपके घर में रिमोट होगा ना, रिमोट कंट्रोल आपने सुना होगा। तो रिमोट कंट्रोल में आगे में एक तरह का एलईडी लगा होता है, यहाँ पर देखना एलईडी लगा होता है, ठीक है। वो क्या काम करता है कि वो सिंपल जो मैं अभी एलईडी पढ़ा रहा हूँ ना, वही एलईडी होता है। और उसका क्या काम होता है कि वो इन्फ्रारेड निकालता है, जनरेट करता है ना, इमिट करेगा इन्फ्रारेड। और इन्फ्रारेड मतलब कि क्या काम होता है कि एलईडी का क्या काम होता है, इन्फ्रारेड को जनरेट करना। तो लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, एलईडी जनरेट्स विजिबल एंड इंफ्रारेड। यहां पे दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं, नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, एंड इंफ्रारेड रेडिएशन, है ना, रेडिएशन बाय वोल्टेज टू प्रोवाइड प्रोवाइडेड टू सुइटेबल
एक मिनट सुटेबल है ना, सुटेबली डॉप्ड है ना सेमीकंडक्टर। चलो तो एलईडी क्या करता है कि एक तरह का लाइट भी जनरेट करेगा एंड वो इन्फ्रारेड जनरेट करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको इन्फ्रारेड देखना है ना कि वो किस तरीके से जनरेट करता है रिमोट, तो क्या करना कि अपना रिमोट लाना एंड रिमोट का कोई भी बटन को प्रेस करना एंड सामने मोबाइल का कैमरा ओपन किया रहे ना, तो वो आपको एलईडी जो इन्फ्रारेड है ना वो दिखेगा मोबाइल मोबाइल के कैमरा पे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से प्रेस करना, प्रेस करने से मोबाइल का कैमरा सामने रखना तो आपको इन्फ्रारेड दिख जाएगा। ओके तो आपको देखने का एक तरीका मैं बताया, इससे एक बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे। तो ये क्या कर सिंपली क्या होता है कि एलईडी क्या करेगा, ये एलईडी सिंपली जो है वो लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी में, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस पे वर्क करता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट कि जो एलईडी होता है वो जनरेट करेगा लाइट को एंड फिर इंफ्रारेड को भी जनरेट करता है, ठीक है ना। ये तीन चार पॉइंट्स मैंने बताया, प्रोसेस का वर्किंग प्रिंसिपल समझ ले रहा हूँ, ठीक है ना। और एक बात और ये होता है, ये जो वर्क करता है ना ये ओनली इन रिवर्स, ये ओनली इन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस तरीके से लिखो, वर्क ऑन वर्क इन फॉरवर्ड बायस रीजन है ना, फॉरवर्ड बायस रीजन, ये फॉरवर्ड कंडीशन कर दो कंडीशन। देखो अब इसमें उसमें क्या, एक और जो हम लोग यूज करते हैं मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड टू मेक एलईडी इज गैलियम आर्सेनाइड, GaAs है ना। तो ये हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे जितने मैंने पॉइंट्स लिखा सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले एलईडी का, एलईडी का मैंने क्या बताया कि जो किस किस रीजन में वर्क करेगा, ये फॉरवर्ड बायस रीजन में वर्क करेगा एंड कौन से मटेरियल को यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड को यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो अब आपका कोई डाउट होगा कि सर आपने इसको फॉरवर्ड बायस रीजन में वर्क कराया, तो आपने एक नॉर्मल डाउट पढ़ाया मुझे, लेकिन वो एक लाइट को इमिट नहीं कर रहा था, बट ये कैसे लाइट को इमिट कर रहा है ना, एक ये क्वेश्चन आपके मन में अराइज होगा। तो होता क्या है ना, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, चलो इसका मेन प्रिंसिपल आपको मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा हल्का ओवरव्यू देकर। ये मान लो सपोज अपना, मैं एनर्जी लेवल से आपको शो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एक एनर्जी लेवल बना रहा हूँ एंड ये एनर्जी लेवल मान लो ये हमारे लिए कंडक्शन बैंड है, सपोज कर लो ये हमारे लिए कंडक्शन बैंड है एंड ये हमारे लिए वैलेंस बैंड, इसी तरीके से आप समझते थे है ना। एंड ये हमारे लिए एनर्जी गैप, दैट्स कॉल्ड ईजी है, ईजी एनर्जी गैप है। ओके तो हमारा कंडक्शन बैंड में क्या होता है, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है ना। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, मान लो सपोज ये सारे जो सारे चीज है ना, ये सारे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, मान लो थोड़ा सा के लिए कुछ समय के लिए। इधर जो रहेगा वो सारा होल्स रहते हैं, सारे वैलेंस बैंड में सारे होल्स प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस बैंड में होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन्स ये कब गए होंगे, ये मतलब कब ये ऊपर कब गए होंगे, जैसे कि मान लो सपोज इसको मैंने 300 केल्विन दिया होगा, तब तो ये जनरेट हुए होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऊपर की तरफ मूव किए होंगे, ओके ना, मैंने बायसिंग वगैरह करने के बाद मैं बता रहा हूँ। तो अगर मैं प्रोसेस बता रहा फर्मी लेवल का कि किस तरीके से लाइट को जनरेट करते हैं, तो जैसे मान लो सपोज कोई बंदा गया ऊपर हाई एनर्जी लेवल पे गया, लेकिन कभी ना कभी आकर लो एनर्जी लेवल पे आना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है। तो उसी तरीके से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सोचते हैं कि मैं आके नीचे आकर स्टेबल हो जाऊं, है ना, क्योंकि ये जाके अनस्टेबल ऊपर है, ओके, हाई एनर्जी में एनर्जी एक्वायर किए हुए हैं। तो अपने आप को चाहें कि मैं स्टेबल पाने के लिए अपने आप नीचे रिड्यूस करेंगे, नीचे रिड्यूस करने से कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी को रिलीज करेंगे। जैसे मान लो सपोज कर लो कि इसके पास अभी मान लो एग्जाम्पल के यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास एनर्जी है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास कहीं ना कुछ एनर्जी है, तो और इसके पास यहाँ पे आने के लिए इसको चाहिए हर हाल में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, मतलब कि आपको बैलेंस बैंड में आने के लिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, लेकिन अभी भी उस इलेक्ट्रॉन के पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को कहने की रिड्यूस करेगा, कहीं कहीं दे देगा है ना, डोनेट कर देगा एंड वो अपने आप नीचे चला आएगा। तो यही क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास जो एनर्जी है ना, इसको रेडिएट कर देता है, निकाल देता है। वही कैसे निकालता है, ये जो रहेगा विजिबल रेडिएशन के फॉर्म में निकालता है ना, विजिबल विजिबल रेडिएशन के फॉर्म में ये एनर्जी को निकाल देगा जो अपना लाइट्स कहलाता है ना। तो इस तरीके से हमारा ये वर्किंग प्रिंसिपल है। बाकी इसका और डीपली में स्टडी करते हैं, लेकिन हमको उतना डीपली में स्टडी नहीं करना, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा था वर्किंग प्रिंसिपल का, किस तरीके से ये वर्क करता है। सिंपली क्या होता है कि मैं इसको एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया, बायसिंग वगैरह करके एक्साइट कर दिया, तो वो अपने आपको लोअर एनर्जी लेवल पे आना चाहते हैं। तो अगर लोअर हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी को रिलीज करेंगे, अगर एनर्जी रिलीज करेंगे तो वहां पे रेडिएशन रिलीज होगा, विजिबल रेडिएशन रिलीज होता है, दैट्स कॉल्ड अपना एलईडी इमिट करता है ना, लाइट्स को इमिट करेगा। ओके तो कुछ इस तरीके से। अब इसका कभी कभी आपने देखा होगा कि एलईडी तो आपने पढ़ा, लेकिन एलईडी में जो होता है ना अलग अलग कलर होते हैं, है ना। एलईडी आपने कभी ब्लू कलर देखा होगा, रेड कलर देखा होगा, येलो कलर देखा होगा, अलग अलग कलर्स के एलईडी होते हैं,
ओके तो एलईडी का जो कलर होता है किस पे डिपेंड करता है, ये पॉइंट्स कभी कभी पूछ देता है। क्योंकि एक जगह मैंने देखा था ये क्वेश्चन आया होता है कि एलईडी का कलर किस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले जो एलईडी का कलर होता है ना, कलर ऑफ एलईडी डिपेंड्स ऑन पहला पॉइंट्स, जो एलईडी का जो कलर होता है सबसे पहले तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। आपको पता है कि वेवलेंथ है ना, रेड का वेवलेंथ जो होता है आपने पढ़ा होता है ना प्रिज्म वगैरह फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है इसलिए वो दूर से दिखाई दे देता है ना, वायलेट का वेवलेंथ कम होता है इसलिए वो दिखाई नहीं देता है दूर से। तो उसी तरीके से वेवलेंथ पे सबसे पहले तो पॉइंट वेवलेंथ पे डिपेंड करता है वो कि उस लाइट की वेवलेंथ क्या है ना, उसकी वेवलेंथ क्या है वेवलेंथ। फिर सेकंड पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसीज पे कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। एंड थर्ड पॉइंट इस पे डिपेंड करेगा कौन से आपने कंसंट्रेशन लिया है ना, कौन सा टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये तीन चार पॉइंट्स है जिसपे डिपेंड करता है कलर एलईडी का। एंड कुछ एप्लीकेशंस है जिसका एप्लीकेशन मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन पहला एप्लीकेशन जो है मान लो पहला यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट में रिमोट कंट्रोल ना पहला पॉइंट। सेकंड एप्लीकेशन जो अपना है वो किसी चीज को डिस्प्ले करने के लिए एप्लीकेशन है, ओके ना, डिस्प्ले यूनिट लिख लो यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट। एंड थर्ड जो है कभी कभी इसको एलईडी लैंप में भी यूज करते हैं, आपने देखा ही होगा एलईडी लैंप है ना, एलईडी लैंप। तो अब मैं आपको एलईडी का सिंपली एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। पहला एलईडी कि एलईडी किस वर्किंग प्रिंसिपल वर्क करता है। एलईडी का सबसे पहले सिंबल देख लो, सिंबल किस तरीके से होता है क्योंकि मैं एक बार रिकॉल करा दूँ सारे को। देखो ये अपना एलईडी का सिंबल है ना, इस तरीके से एलईडी का सिंबल होता है। इसका सिंबल अलग कलर ले रहा हूँ, व्हाइट कलर। एलईडी का ये सिंबल होता है, पहला पॉइंट आपको याद रखना किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस है ना, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस मींस क्या होता है कि लाइट्स को इमिट करेगा है ना, लाइट को इमिट करेगा। ये इसका काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में। थर्ड पॉइंट हो गया, दो पॉइंट्स। फिर सेकंड पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट्स कि ये जनरेट करेगा, लाइट को भी जनरेट करता है, विजिबल रेड को यानी इंफ्रा रेड को भी जनरेट करता है, ठीक है ना, इंफ्रा रेड रेडिएशन भी जनरेट करेगा। थर्ड पॉइंट वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है ये कौन से बायसिंग में कौन सा रीजन पे वर्क करेगा, ये फॉरवर्ड बायस रीजन पे वर्क करता है। एंड कौन से मटेरियल से बनाया जाता है इस एलईडी को, तो गैलियम आर्सेनाइड, जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ठीक है ना। तो एंड लास्ट पॉइंट देखो कि इसका एलईडी का कलर जो होता है किस पे डिपेंड करता है, तो एलईडी कलर वेवलेंथ पे फ्रीक्वेंसी पे इस तरीके से डिपेंड करेगा। एंड इसकी एप्लीकेशंस क्या है, सबसे पहले तो रिमोट कंट्रोल पे एप्लीकेशन करते हैं, डिस्प्ले यूनिट में करते हैं इसको डिस्प्ले करने के लिए, देन एलईडी लैंप में इसका एप्लीकेशन है। तो मैंने एलईडी को पूरा कंप्लीट किया, चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है ना। तो आई एक पॉइंट यहां पे छूट गया, ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना ये किस बैंड गैप पे वर्क करता है, तो ये डायरेक्ट बैंड गैप उसका होता है ना, इसका जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है ना ये डायरेक्ट बैंड गैप, ये कुछ इस तरीके से वर्किंग नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर ये बताया, ये एग्जांपल है ना, इस तरीके से वर्किंग नहीं होता, इसका एक बैंड गैप बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये इस क्या होता है, इसमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट बैंड गैप होता है, इस पर डायरेक्ट बैंड गैप ओके ना। तो एक जगह ये भी मैंने क्वेश्चन देखा था किस बैंड इसका, इसमें कौन सा बैंड होता है, तो डायरेक्ट बैंड गैप होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ अपना, जो नेक्स्ट अपना जो डायोड्स रहेगा जिसको कहते हैं फोटो डायोड्स है ना, इसमें स्टार्ट करूंगा एलईडी जो अपना रहेगा वो फोटो डायोड रहेगा ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोटो डायोड। अब ये फोटो डायोड होता क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है ना, तो सारा कुछ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले फोटो डायोड जो होता है उसका सिंबल्स देखो किस तरीके से सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा फोटो डायोड, इसमें क्या होगा कि इस पे एक लाइट को हम लोग फॉल कराएंगे है ना। अपने एलईडी पढ़ा, एलईडी का क्या काम होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके इन लाइट्स को इमिट करता है, लाइट्स को एलईडी। लेकिन जो हमारा फोटो डायोड होता है ना, फोटो डायोड में क्या करते हैं कि लाइट को हम लोग इमिट कराते हैं, जैसे ये अपना फोटो डायोड है इसमें हम लोग लाइट को इमिट कराएंगे, ओके। अब क्यों करते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, पहले इसके लिखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लाइट को फॉल करा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपने पास कंडक्टिविटी का काम कर रहा है ना, यानी फोटो कंडक्टिविटी प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है। तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी। इसका कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, फोटो कंडक्टिविटी प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है।
अब सेकंड पॉइंट मैं बताऊं कि ये जो अपना फोटो डायोड होता है ना, वो रिवर्स बायस रीजन पे वर्क करता है। कौन से रीजन पे वर्क करेगा? रिवर्स बायस। जैसे आपने पढ़ा है एलईडी, एलईडी जो होता है वो फॉरवर्ड बायस रीजन पे वर्क करेगा। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन से रीजन पे ये फोटो डायोड जो होता है कौन से रीजन में ये वर्क करता है। तो ये कौन से रीजन में वर्क करेगा? रिवर्स बायस रीजन में वर्क करेगा। और इसके पीछे का एक लॉजिक है, मैं लॉजिक को समझा रहा हूँ कि ये रिवर्स बायस में क्यों वर्क कर रहा है। ठीक है ना? तो ये कौन से रीजन पे वर्क करता है? तो फोटो डायोड्स इन वर्क इन ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस रीजन। अब समझो थोड़ा सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल कि क्यों ये रिवर्स बायस में क्यों वर्क करता है। ओके ना? तो सर मैं इसका रीजन समझा दे रहा हूं। अगर आप नॉर्मल डाउट पढ़ोगे, है ना, सपोज अगर आप नॉर्मल डाउट पढ़ोगे तो नॉर्मल डाउट का जो स्ट्रक्चर होता है, मैं उसी तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। मानो सपोज ये हमारा एक डायोड है, है ना, एंड इसका थोड़ा सा अगर मैं इसको नॉर्मल डायोड्स को अगर ट्रीट करूँ, अगर मैं इसको 300 केल्विन पे रखूंगा तो क्या होता है? इसको मैं सबसे पहले, ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना, ये हमारे लिए पी साइड हो गया एंड ये हमारे लिए एन साइड हो गया। एंड इसके बीच में एक कहीं ना कहीं डिप्लेशन रीजन बनता है, जो मैंने डिप्लेशन रीजन बनाया। एंड इसके बीच में एक तरह का बैरियर होता है ना, लेट्स कॉल पोटेंशियल बैरियर, ये हमारा बैरियर बन जाता है। एंड यहाँ पर जो अपने होते हैं वो आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये अपना आयंस प्रेजेंट रहेगा। ओके ना, ये अपना आयंस प्रेजेंट रहेंगे। तो ये हमारा अगर पी साइड है तो पी साइड नेगेटिव आयंस, आपने पी इंजेक्शन डायोड का कॉन्सेप्ट याद करो, उसी बेसिस पे इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा मैं। तो अगर पी टाइप है तो पी टाइप में हमारा नेगेटिव आयंस बनेगा, एंड अगर एन टाइप है तो हमारा पॉजिटिव आयंस बनेगा। अब ये पॉजिटिव आयंस क्यों बनते हैं, नेगेटिव आयंस क्यों बनते हैं? मान लो सपोज अपना पी टाइप सेमीकंडक्टर है, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कहीं ना कहीं वो हमारा ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से बनेगा, या फिर कैट्स को, या फिर कह लो कि एक्सेप्टर इंप्योरिटी से इसका बनते हैं। ठीक है ना? अगर मुझे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना होगा तो एक्सेप्टर इंप्योरिटी से बनाऊंगा, एक्सेप्टर इंप्योरिटी का डोपिंग करूंगा। तो एक्सेप्टर मीन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो कोई भी एटम्स अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो उस पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। मैं एक ओवरव्यू बताया कि आके यहाँ पे नेगेटिव आयंस किस तरीके से आ रहा है, बाकी वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही बेहतरीन से मैंने समझाया हूं। तो एक बार आप एडी से वाले पहले वीडियो का देख लो, पहला वीडियो में मैं समझा दिया था किस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, चलो अब अगर मैं बात करूं एन टाइप में, तो एन टाइप क्या होता है? ये कहने के डोनर इंप्योरिटी से डोपिंग करने से बनता है। एक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर डोपिंग करोगे डोनर इंप्योरिटी से, तो वहां पर अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है डोनर इंप्योरिटी का डोपिंग करने से, तो डोनर मीन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो उस पर जो चार्ज होना चाहिए वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, आपने पढ़ा था ना। तो अब नॉर्मली जो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो उस पर चार्ज नेगेटिव होता है। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसमें कुछ और वर्किंग प्रिंसिपल ऐड होता है, तो मैं उस पूरा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार देख लेना उस चीज को। ठीक है? तो जैसे इसको अगर बायसिंग करोगे, अगर सपोज मैंने इसको बायसिंग किया, तो बायसिंग कर दे रहा हूँ थोड़ा सा मैं, है ना, आपको कैसा बायसिंग करना है इसको, आप रिवर्स बायसिंग सप्लाई करोगे, है ना, रिवर्स बायसिंग सप्लाई करो इसको थोड़ा। तो रिवर्स मीन्स पी साइड को आप नेगेटिव दोगे, है ना, पी साइड को नेगेटिव पोटेंशियल दोगे, एंड पॉज एक मिनट, नेगेटिव है ना, पी साइड को नेगेटिव पोटेंशियल दो एंड एन साइड को आप पॉजिटिव पोटेंशियल दे दो, है ना। तो ये अपना बायसिंग जो कैसा होगा, ये बायसिंग रिवर्स बायसिंग हो जाएगा इस तरीके से, ये रिवर्स बायसिंग हो रहा है। ओके, तो मैंने अभी रिवर्स बायसिंग इसका किया। अब अगर रिवर्स बायसिंग हो गया तो ये इसको लिख लो रिवर्स बायस, है ना, रिवर्स बायसिंग किया। तो आपने अगर इसको सपोज कर लो, इनकेस अगर थोड़ा सा बात को मैं समझा रहा हूँ आपको, अगर इस सेमीकंडक्टर को अगर 300 किलोमीटर रखोगे तो इसके बीच में एक पोटेंशियल बैरियर बन गया, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, बिल्ड इन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो बिल्ड इन पोटेंशियल जो होता है ना, ये अपना नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव, इस तरीके से बिल्ड इन पोटेंशियल, जिसको वी नॉट से या वीबीआई से डिनोट करते हैं, तो बिल्ड इन पोटेंशियल। लेकिन जैसे इसको रिवर्स बायस सप्लाई करोगे तो डिप्लेशन विथ और इंक्रीज करता है, जैसे आपने रिवर्स बायस सप्लाई किया इसका जो डिप्लेशन विथ है ना और इंक्रीज कर जाता है, तो इसको डिप्लेशन विथ को थोड़ा सा और इंक्रीज करो। तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो कहीं ना कहीं अपना अपना जो ये पोटेंशियल बैरियर है ना, ये बिल्ड इन पोटेंशियल, वो भी इंक्रीज करेगा। आप समझो थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपने रिवर्स बायस अप्लाई किया एंड रिवर्स बायस अप्लाई करने से क्या होता है कि विथ इंक्रीज करता है। जैसे आपने क्या किया कि आपने रिवर्स बायस अप्लाई किया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कि जब मैंने रिवर्स बायस अप्लाई किया, वीआरबी मैंने अप्लाई किया, तो मान लो इंक्रीज किया तो अपना विथ और डिप्लेशन रीजन वो भी इंक्रीज करता है। ओके ना, जैसे मैं फॉरवर्ड बायस अप्लाई करता हूँ तो डिप्लेशन रीजन घटता है। ओके, तो अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अब जो हम लोग अगर ये सपोज ये नॉर्मल डायोड है, इस पर मैं अगर लाइट को फॉल करूंगा, लाइट पे मैं इस पर लाइट एक लाइट फॉल कर रहा हूँ, ये लो मुझे लाइट फॉल करना, ये मैंने लाइट को फॉल किया। अब लाइट को मैंने फॉल किया जंक्शन पे, ठीक है ना, फॉल कहाँ पे करना है, जंक्शन पे करना है। ऐसा नहीं कि आप पीट इधर वाले पे कर लो, इधर वाले पे कर लो, ऐसा नहीं, मुझे जंक्शन पे लाइट को फॉल करना है। ठीक है ना, लैट फॉल करने से होता क्या कि जो अपने पास आयंस थे यहाँ पे, जो डिप्लेशन लेयर में, डिप्लेशन रीजन में जो आयंस प्रेजेंट थे, वो कहने की इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेंगे। जैसे मान लो मैं आयंस का बना होगा, मैं आयंस का बना,
मेरे पास जब इलेक्ट्रॉन्स आया होगा या फिर मैं किसी को डोनेट किया, ठीक है ना, मैं एक्सेप्ट किया या फिर डोनेट किया, तो मैं एक आयंस बन गया। तो अगर मुझ पे लैट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं मुझे एक एनर्जी मिली, एनर्जी मिली कि हमारे हमारे से इलेक्ट्रॉन्स छूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स टूट जाएगा, निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो जो आयंस होते हैं ना नेगेटिव आयंस, ये क्या करेगा कि होल्स का होल्स यहाँ पे निकालेगा, होल्स को रिलीज करेगा। मान लो यहाँ पे होल्स रिलीज किया एंड पॉजिटिव आयंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो अगर इसने होल्स को रिलीज किया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया कब, आफ्टर अप्लाइंग द लाइट, ओके ना। तो अब देखो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। तो मैं डायरेक्शन थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, ये अपना जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। एंड जस्ट इसके अपोजिट में अपना जो होगा वो अपना फोर्स ऑफ फोर्स होता है, ठीक है ना, एफ इज इक्वल टू होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में अपना फोर्स लगता है, ये अपना फोर्स होगा, ओके ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगता है। तो ये फोर्स किसके लिए होता है, मेजोरिटी के लिए होता है, बट अपने पास जो सेंटर प्लस है ना, सेंटर में वो माइनॉरिटी है। तो माइनॉरिटी पे जो फोर्स लगेगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ इधर फोर्स लग रहा है एंड होल्स पे कुछ इधर फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होल का फोर्स अपोजिट होता है। तो हमारा बेसिक काम क्या होता है कि ये दोनों रिकम्बाइन ना करें, इसलिए हम लोग सेंटर पे डाके लैट को फॉल कराते हैं। एंड जैसे ही आगे इधर निकलेंगे, दोनों तरफ निकलेंगे, तो वहां से अपने पास कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको रिवर्स करंट कहते हैं। आपने नॉर्मल डायोड में अगर पढ़ा होगा रिवर्स सैचुरेशन करंट, आप अगर नॉर्मल डायोड की बात करोगे, अगर सपोज आप नॉर्मल डायोड की बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो नॉर्मल डायोड अगर रिवर्स बायस में रखोगे नॉर्मल डायोड को, तो क्या होता है, मान लो सपोज आपने एक नॉर्मल डायोड लिया, तो रिवर्स बायस में कुछ इस तरीके से रिवर्स सैचुरेशन करंट फॉलो करता है ना, जिसको आई नॉट से डिनोट करते हैं, ये अपना आई नॉट होता है, ओके ना, ये क्या होता है अपना आई नॉट होता है, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं, ओके ना। तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट एक नॉर्मल में था, लेकिन जैसे मैंने डोपिंग वगैरह कर दिया, रिवर्स सैचुरेशन करंट चल रहा है, ये बायसिंग वगैरह किया, रिवर्स सैचुरेशन करंट चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसके जंक्शन पे लैट को फॉल कराऊंगा, तो कहीं ना कहीं एनर्जी अपना जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। तो उस टाइम क्या होता है कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो इंक्रीज कर जाता है ना, तो करंट का इंक्रीमेंट होगा। मान लो सपोज मैंने इतना फॉल किया तो और इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करते करते करंट इंक्रीज करता है, दैट्स कॉल्ड, यानी ये जो हमारा होता है ना, ये कब हुआ इंक्रीज, ये हुआ आफ्टर फॉलिंग द लाइट, है ना, आफ्टर फॉलिंग द लाइट, फॉलिंग द लाइट, ये अपने रीजन हो गया। अब तो ये अपना इस तरीके से हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, कभी कभी एक पॉइंट आपने सुना होगा डार्क करंट का, जब फोटो डायोड आप पढ़ोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट यूज किया जाता है डार्क करंट, क्योंकि फोटो डायोड में यूज करते हैं डार्क करंट। डार्क करंट होता क्या है, आप एक नॉर्मल डायोड लो, उसको नॉर्मल डायोड को फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस अगर करोगे, मानो सपोज अपना एक नॉर्मल डायोड है एंड अगर फॉरवर्ड बायस में अप्लाई करोगे तो कुछ इस तरीके से करेक्टरिस्टिक शो करेगा, लेकिन अगर रिवर्स बायस करोगे तो कुछ इस तरीके से करेक्टरिस्टिक शो करता है, ओके। तो आई अपने पास भी नॉर्मल डायोड था, लेकिन इसको मैंने कैसा किया, रिवर्स बायसिंग किया। रिवर्स बायसिंग करने से क्या होता है कि एज इनिशियली कुछ ना कुछ इसमें करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो कर रहा था, जिसको मैंने अलग कलर से शो किया, ठीक है ना, ये अपना जो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो स्टार्टिंग में शो कर रहा था, ओके। जब मैंने लाइट को इस पे फॉल कराया, जंक्शन पे जब मैंने इसे लाइट को फॉल कराया, तो हमारा करंट इंक्रीज हुआ, यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज हुआ। तो वो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो पहले से था, जैसे आई नॉट, ये पहले से था, दैट्स कॉल्ड, इस करंट को कहेंगे हम लोग डार्क करंट, है ना, इस करंट को कहते हैं डार्क करंट। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ देता है कि डार्क करंट किसमें देखा जाता है, डार्क करंट अपीयर्स इन विच डायोड्स, ऑप्शन दे देगा, चार पांच पॉइंट ऑप्शन दे देगा। तो फोटो डायोड में डार्क करंट को हम लोग देखते हैं। डार्क करंट क्या होता है कि इनिशियली जो विदाउट लाइट, विदाउट अप्लाइंग द लाइट या विदाउट फॉलोइंग द लाइट इन डायोड्स, इन ऑन द डायोड्स, तो एक करंट रिलीज होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, उस करंट को कहेंगे डार्क करंट, ओके ना। तो आई नॉट के बराबर डार्क करंट अपना होगा। तो कुछ ये पॉइंट्स था, इसके एप्लीकेशंस की बात कर लेता हूं, फोटो डायोड के एप्लीकेशंस क्या होगा। तो पहला एप्लीकेशन जो होता है, एप्लीकेशन है एप्लीकेशन, तो फर्स्ट वन जो एप्लीकेशन होगा हमारा, फर्स्ट एप्लीकेशन होगा, इसको कहते हैं लाइट ऑपरेटिंग, लाइट ऑपरेटिंग स्विच में, है ना, ऑपरेटिंग स्विच। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा कि देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका क्या है। सेकंड हम लोग यूज कर सकते हैं इसको रिमोट, ये इसको कह सकते हो कि रिमोट, रिमोट कंट्रोल डिटेक्शन, है ना, रिमोट कंट्रोल डिटेक्शन, ओके ना। ये दो एग्जांपल है, दो एप्लीकेशन है इसका। मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि फोटो डायोड कहाँ पर एक्चुअली में यूज हो रहा है। आपने कभी ना कभी सुना हो कि इतने बंदे वहां पे इंटर कर गए हैं, इतने बंदे यहाँ से इंटर कर गए हैं, इस रोड से इतना गाड़ी पास हो चुकी है, कभी कहीं आपने सुना होगा न्यूज में, ठीक है। तो वो क्या करता है ना कि एक मान लो सपोज कर लो कि हमारा रोड है ना, ये मान लो कि हमारा ये रोड है, ओके ना, ये हमारा रोड है। तो क्या करेगा कि एक साइड से लेजर लगाएगा, वन साइड से इधर लेजर लगा देगा, है ना। लेजर का क्या काम होता है, एक बीम को रेडिएट करना, बीम को निकालना, और इधर लगा देगा फोटो डायोड, है ना, जस्ट उसके सामने लगा देगा फोटो डायोड,
ओके ना, फोटो डायोड लेजर क्या करता है, लाइट को इमिट करेगा, एंड फोटो डायोड क्या करता है, लाइट को अब्सॉर्ब होकर करंट का कंडक्शन करता है, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, है ना, जो बहुत ही नेग्लिजिबल करंट होता है, जिसको आई नॉट कहते हैं। ओके, तो जैसे ये लाइट फॉल हो रहा है, मान लो सबको नॉर्मली भी फॉल हो रहा है, तो डायोड बता रहा है कि हाँ यहाँ पे से लाइट आ रहा है, मैं ऑन हूँ, है ना, मैं ऑन हूँ। मान लो सबको कोई एक कार होगा, ये कार आगे बढ़ा एंड यहाँ पे आया, मान लो यहाँ पर ये आ गया, ओके, तो ये लाइट तो फॉल डायरेक्टली फॉल नहीं हो पा रहा है इस पे, तो क्या करेगा कि इस पे फॉल नहीं मतलब करंट का कनेक्शन नहीं हुआ, तो ये काउंट कर ले कि अच्छा ये एक हो गया, फिर सेकंड कार आया, है ना, ये पास होकर आगे बढ़ गया, फिर सेकंड वाला आया यहाँ पे आके रुका, ओके ना, यहाँ पे से पास हुआ, तो लाइट का कहीं ना कहीं रोका, लाइट के मूवमेंट को रोका, अगर लाइट के मूवमेंट को रोका तो फिर ये काउंट करेगा सेकंड नंबर, इस तरीके से काउंटिंग करता है ना। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने बताया कि किस तरीके से अपना फोटोडायोड जो वर्क कर रहा है ना। तो फोटोडायोड हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चलता हूं हमारा जो सोलर सेल कहलाता है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो थर्ड नंबर जो अपना स्पेशल डायोड से सोलर सेल। ओके, अब सोलर सेल होता क्या है बता दे रहा हूँ, सोलर सेल एंड फोटोडायोड दोनों लगभग सेम ही है ना, दोनों लगभग सेम है एंड दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल भी लगभग सेम है, वर्किंग प्रिंसिपल सब सेम है, इस पे भी लाइट फॉल करते हैं, उस पे भी लाइट को फॉल कर रहे थे हम लोग, लाइट को फॉल करेंगे ऑन होगा, ये भी लाइट को फॉल करेंगे ऑन होगा, बट प्रॉब्लम ये था कि वहां पर हम लोग रिवर्स बायस में वर्क कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग को ऐसा बायसिंग करेंगे ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, आपने फोटोडायोड को क्या देखा कि बायसिंग कर रहे थे, रिवर्स बायस कर रहे थे ना, लेकिन अगर सोलर सेल अगर बात करोगे, सोलर सेल है ना, उसमें हम लोग को बायसिंग नहीं करते, ऑटोमेटिक वहां पे एक तरह का पोटेंशियल बिल्डअप हो जाता है। अब वो कैसे बिल्डअप होगा, पहले इसके बारे में लिखता हूँ कि कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, तो जो प्रिंसिपल का क्या, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कह लो, है ना, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे ये वर्क करता है, वोल्टाइक का स्प्रिंग चेक कर लेना थोड़ा सा, ठीक है ना, तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। ये फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे वोल्टेज मतलब कहने के वोल्टेज को जनरेट करेगा, उस पर फोटो यानी कि लाइट को इमिट करूंगा, वो वोल्टेज को जनरेट करेगा, वहां पे क्या था फोटोडायोड डायरेक्टली था, वो क्या कर रहा था कि करंट को कंडक्शन में मतलब करंट को डिटेक्ट कर रहा था, इस तरीके से कह सकते हो, ये क्या काम करेगा कि वोल्टेज को जनरेट करेगा, ओके ना। चलो, तो इसका वर्किंग क्या होता है, ये जो ऑपरेटिंग होता है ना, इट इज ऑपरेटेड इन नो बायस कंडीशन, है ना, इस पे कोई बायसिंग नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, चलो, तो मैं बना दे रहा हूँ थोड़ा सा, एक एग्जाम्पल लेके बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको एलोबरेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ओके, चलो ये हो गया नॉर्मल एक डायोड, पी इंजेक्शन डायोड ले लो, ये अपना पी इंजेक्शन डायोड हो गया, नॉर्मल में इस तरीके से अपना शो करता है, यानी कि इसके बीच में एक रीजन ये होगा, डिप्लेशन लेयर होगा, ये उसको शो कर दू इस तरीके से, ये अपना एंड इसके बीच में आयंस का फॉर्मेशन होगा, ये सब सारा कितने पे बात कर रहा हूँ मैं, इसको 300 किलोमीटर पे बात कर रहा हूँ, जब भी मैं इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इस तरह का फिगर बनाता हूँ, तो मैं 300 किलोमीटर पे बात कर रहा हूँ, ओके ना, क्योंकि 300 किलोमीटर भी आयंस का फॉर्मेशन होता है, तो ये आयंस का फॉर्मेशन कर लो इस तरीके से, ये अपना अगर पीएन डायोड है ना, ये अपना पीएन डायोड है, ये पॉजिटिव इस तरीके से कर लो, आयंस बना लो, इधर नेगेटिव आयंस रहेंगे सारे, इधर कैसा रहेगा पॉजिटिव आयंस सारे रहेंगे, ओके ना, आयंस किस तरीके से बनता है एक बार पी इंजेक्शन डायोड का वीडियो देख लेना, ओके, चलिए आयंस हो गए, आप क्या काम करना है, मुझे इस पे लाइट को फॉल कराना, लाइट कहाँ पे फॉल करना है मुझे, उसी तरीके से जंक्शन पे ही फॉल करना है, ठीक है ना, लेकिन एक डॉट मैं यहाँ पे छोड़ दिया था आपको कि लाइट हम लोग जंक्शन पे ही क्यों फॉल करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन राइज हो सकता है कि लाइट हम लोग जंक्शन पे ही क्यों फॉल कर रहे हैं, तो हमारा मेन मकसद क्या है ना दोस्त, कि हम लोगों को जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा आफ्टर फॉलोइंग द लाइट, जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है ना, तो हमारा मेन काम होता है कि वो दोनों रिकम्बाइन ना कर ले, जैसे मान लो सपोज मैं अगर यहाँ पे फॉल कराता, एग्जांपल के तौर पर ले लो, मैंने यहाँ पे लाइट को फॉल कराया, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये क्या करेगा, एक होल इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेगा, है ना, जैसे ये अपना पी टाइप है, एक होल इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेगा, यानी कि जनरेट करेगा, तो क्या करेगा कि इसके पास स्पेस इतना सारा, इसके पास स्पेस है कि इतना, अगर इसके पास इतना स्पेस है तो मूवमेंट करते करते हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से रिकम्बाइन कर ले, है ना, रिकम्बाइन कर लेगा, तो अपने को रिकम्बिनेशन नहीं चाहिए, अगर रिकम्बाइन कर लेगा तो कंडक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना, तो रिकम्बाइंड में नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे जंक्शन पे लाइट को फॉल कराता हूँ, और जंक्शन पे जो लाइट को फॉल कराने का मेन मकसद क्या है कि यहाँ पे एक बिल्ड इन पोटेंशियल फॉर्मेशन हो जाता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बिल्ड इन पोटेंशियल बनता है, जिसको वी नॉट से डिनोट करते हैं, एंड इसके कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ओके, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो जस्ट उसके अपोजिट में इसके फोर्स का डायरेक्शन होगा, है ना, तो अगर ये फोर्स का डायरेक्शन है, इनकेस मान लो कि ये अपना नेगेटिव आयंस है एंड ये अपना पॉजिटिव आयंस है, तो नेगेटिव आयंस क्या जनरेट करेंगे, नेगेटिव आयंस फोर्स को जनरेट करेंगे, है ना, फोर्स जनरेट करेंगे एंड पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करेंगे आफ्टर फॉलोइंग द लाइट, है ना, जैसे मैं लाइट को फॉलोइंग करूंगा तो यहाँ पे एक
एक फोर्स जनरेट होगा इधर से, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। अब देखो इस पे जो फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा, तो कहने के इलेक्ट्रॉन्स को इधर रिपेल करेगा एंड होल्स को इधर रिपेल करेगा। तो अपने को देखो ये रिकम्बाइन होने से बचा रहा है, तो जैसे ही रिकम्बाइन होने से बचाएगा तो हमारा मतलब कि ऑपरेट हो जाएगा। तो हमारा मेन मकसद यहाँ पर यही है, इसको हटा देना ठीक है। इसको हटाओ थोड़ा सा, इसको सारा को हटाओ एंड आपको एक्सप्लेन करो इसके वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे फॉल करते हैं, हम लोग जनरली हम लोग सेंटर पे फॉल करते हैं या फिर डिप्लेशन रीजन पे फॉल करते हैं या जंक्शन पे फॉल करते हैं लाइट को। यहाँ पे एक तरह का अपना सबसे पहले तो बिल्ड इन पोटेंशियल बना हुआ था जिसको वी नोट से डिनोट करते हैं ठीक है। अब इसके कारण जो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लाइट को फॉलिंग किया, यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, देन इस पे फोर्स इधर लग रहा है ना, ये दोनों दूसरे को रिपेल कर रहा है। जैसे ये रिपेल करेंगे ये सब कौन सा, ये सब थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होल्स हैं एंड ये कैसा है, एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ओके ना। तो ये सब समझो कि मैं माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि होल्स इधर आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव एक पॉजिटिव सेटअप हो जाएगा, पॉजिटिव वोल्टेज सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे, यहाँ पे एक नेगेटिव वोल्टेज सेटअप हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, कहीं ना कहीं एक तरह का जनरेट कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मली क्या होगा कि यहाँ पर आपने एक तरह का देखा जनरेशन देखा, यानी कि पोटेंशियल एक वोल्टेज डेवलप होगी इसके बीच में। अब ये वोल्टेज आप यूज करते हो सोलर सेल में, तो थोड़ा समझो कि इसका एक और डायग्राम होता है, मैं डायग्राम और बना दे रहा हूँ आपके लिए है ना। ये हो गया एंड इस पे एक लैंड बना दे रहा हूँ थोड़ा। ठीक है ये हो गया, इस चीज को थोड़ा सा उधर करो ओके। तो ये देखो कुछ इस तरीके से सोलार दिखता है, इसको और छोटा कर सकता हूँ क्या, थोड़ा मिनट करना, एक और फिर इसको फिर से बना दे रहा हूँ ठीक है। वन मिनट वेट करना, इसको मैं फिर से बना दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये एक्चुअली में सोलार सेल कुछ इस तरीके से दिखता है ना, वैसा वो उस तरीके मतलब क्यूब की तरह नहीं दिखता है, क्यूबॉइड की तरह दिखता है वो ठीक है। चलो ये अपना एंड इस पे एक लेयरिंग बनाओ, इस पे एक लेयरिंग बना दो, ये अपना लेयरिंग हो गया। मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ आपको ताकि आपको याद रहे, ये सब सारी बात आपको याद रहे ठीक है। चलो ये लेयरिंग हो गया, तो ये जो अपना टैप होता है ना, मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ, ये अपना जो हो गया इसको कहते हैं ये एन टैप रीजन होगा है ना, एन टैप रीजन होगा, ये अपना पी टैप रीजन होगा एंड ये जो है ना ये हमारे लिए डिप्लेशन रीजन होगा है ना, डिप्लेशन रीजन कह लो इसको, डिप्लेशन रीजन। एंड ये इसका जो एरिया होगा यानी एन सेट का जो एरिया होता है वो वेरी स्मॉल होगा एंड पी सेट का जो एरिया होगा वो वेरी लार्ज होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने पास मानो सपोज ऊपर का ये सोलार सेल है ना, ऊपर से लाइट का फॉलिंग किया मैंने, जैसे लाइट फॉलिंग किया तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे तो उसको इतना टाइम नहीं देना, जैसे उसका अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा मिलेगा, टाइम अगर ज्यादा मिलेगा तो रिकम्बाइन कर लेंगे वो, तो रिकम्बिनेशन से बचने के लिए मैं उसको स्पेस कम दे रहा हूँ ठीक है ना। जैसे उसके पास स्पेस कम रहेगा ऑटोमेटिक वो नीचे चला जाएगा और नॉर्मली वहां से करंट का कंडक्शन करेगा ओके। तो मेन बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल मेन क्या होता है कि उसको मैं एरिया को कम रखता हूँ ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो भी जनरेट होगा वो जल्द से जल्द नीचे चला जाए ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल इसमें क्या क्या याद करना है आपको, पहला पॉइंट याद करना है कि सोलार सेल होता क्या है, सोलार सेल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो फोटोवोल्टेइक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट पे वर्क करेगा। इसको किस तरीके से वर्क कराते हैं, तो नो बायसिंग कंडीशन में वर्क कराते हैं। इस पे जो जंक्शन जो लैट फॉलिंग करते हैं कहां पे करते हैं, वो जंक्शन पे लैट को फॉल करते हैं ठीक है ना। ये कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना। तो ये अपना सोलार सेल एंड हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है ज़ेनन डायोड ठीक है ना। आपका मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट है ज़ेनन डायोड, तो फोर्थ नंबर जो अपना है वो ज़ेनन डायोड ठीक है ना। चलो जेनर डायोड हम लोग पढ़ते हैं ओके ना। चलो जेनर डायोड जो होता है, आपने एक पीएन जंक्शन पढ़ा, नॉर्मली पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा, तो जो जेनर डायोड होता है ना हम लोग बेसिकली इसको जो यूज करते हैं नॉर्मली, पहले आप एक पीएन जंक्शन डायोड के बारे में समझो कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है। पीएन जंक्शन डायोड एक दो पहला कंडीशन में वर्क करता है, ये अपना पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक होता है पीएन जंक्शन डायोड का। और तो ये जो वर्किंग होता है पीएन जंक्शन डायोड का, नॉर्मल जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस पे वर्क करेगा एंड रिवर्स बायस पे वर्क नहीं करता, वो ऑफ की तरह ट्रेड करेगा, लेकिन कुछ लीकेज करंट फॉलो करता है जिसको कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो आई नॉट से डिनोट करते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है वो है ना, रिवर्स सैचुरेशन करंट फॉलो करेगा।
तो अपने पास ऑप्शन ये नहीं था कि मैं उसको एक नॉर्मल डाउट को रिवर्स बायस में मतलब कंडक्शन करा सकूं, कंडक्ट करा सकूं। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जेनन डायोड। जेनन डायोड को हम लोग नॉर्मली इसको कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई भी कहते हैं, या फिर उसको वोल्टेज रेगुलेटर में भी यूज करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक रेक्टिफायर पढ़ेंगे, रेक्टिफायर के बाद हम लोग क्रीपर क्लैंपर पढ़ेंगे ना, इसके बाद जैसे चैप्टर वो आने वाला है। तो रेक्टिफायर में हम लोग पढ़ेंगे जेनन डायोड के बारे में कुछ ना कुछ स्टडी करेंगे, जिससे वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एक नॉर्मल डायोड जो होता था वो नॉर्मली फॉरवर्ड बायस रीजन में वर्क कर रहा था, बट रिवर्स बायस रीजन में वर्क नहीं कर रहा था। तो अगर मुझे रिवर्स बायस रीजन में वर्क कराना होगा तो मैं जेनर डायोड को लाऊंगा, और जेनर डायोड जो होता है वो हेवीली डोप्ड होता है ना। आपको पता है कि जैसे मान लो सपोज यहां तक मैंने वोल्टेज सप्लाई दिया तब भी ये ऑन नहीं हुआ, ये अपना वोल्टेज एंड करंट के बीच में मैंने ग्राफ बनाया था, ठीक है। मैंने यहां तक वोल्टेज दिया, अभी तक ये करंट करंट का कनेक्शन नहीं हुआ इन रिवर्स बायस नॉर्मल डायोड में। मैं करंट मान लो सपोज मैंने वोल्टेज और इंक्रीज किया तो क्या करेगा कि ब्रेक कर जाएगा, जंक्शन ही ब्रेक कर जाएगा, जो डायोड अपना बंद कर जाता है नॉर्मल डायोड। लेकिन अगर मैं इसको जेनर डायोड पर रखता हूँ तो क्या करता है, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है एट द ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद, वो कंडक्ट करता है, ठीक है। नॉर्मल थोड़ा सा इसके बारे में लिख दे रहा हूँ, नॉर्मली डायोड के बारे में लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा पॉइंट लिख दे रहा हूँ। वेन रिवर्स वोल्टेज रिचेस ब्रेक डाउन वोल्टेज, देन द करंट करंट थ्रू द जंक्शन। देखो मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, उस पर आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। जंक्शन इंक्रीजेस एंड पावर पावर डिसिपेशन Dissipation is high. Okay ना? चलो अब ये जो मैंने बताया, अगर आप एक नॉर्मल डायोड लेते हो तो उस पर अगर आप रिवर्स बायस अप्लाई करते हो, रिवर्स बायस जैसे ही अप्लाई करोगे रिवर्स बायस को बढ़ाओगे, रिवर्स बायस बढ़ाने से क्या होता है, करंट इंक्रीज करेगा, जंक्शन पे करंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि रिवर्स बायस में जो करंट का कंडक्शन होता है वो माइनॉरिटी चार्ज करने के कारण होता है ना। तो अगर माइनॉरिटी चार्ज करने के कारण अगर करंट का कंडक्शन हो रहा तो कहीं ना कहीं हीट डिसिपिएट करेगा, हीट को डिसिपिएट करेगा, हीट अगर इंक्रीज करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा, तो जंक्शन जो अपना जल जाता है, डायोड अपना जल जाता है, ठीक है ना। एक नॉर्मल डायोड का मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही अपने पास अगर जेनर डायोड में अगर लूंगा, अगर इन जेनर डायोड कर लो, इन जेनर डायोड या जेनर डायोड हैज एडिक्वेट पावर पावर डिसिपिएशन कैपेबिलिटी, इसके पास एक कैपेबिलिटी होती है ना। अभी क्यों हो रही है उसके पीछे का रीजन मैं नहीं आ रहा हूं, ठीक है ना। कैपेबिलिटीज टू ऑपरेटेड ऑपरेटेड रिवर्स बायस ना, रिवर्स बायस या फिर रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, ओके ना। तो जेनर डायोड के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो रिवर्स बायस ब्रेकडाउन में वर्क कर ले, ठीक है ना, पहली बात। सेकंड पॉइंट की अगर मैं जेनर डायोड की बात करूं, अगर थोड़ा सा जेनर डायोड के बारे में और थोड़ा सा एलाबोरेट करूं मैं, तो देखो जेनर डायोड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से। जेनर डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया, वैरेक्टर डायोड, ये तीन डायोड जो होता है ना क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। तीन डायोड, जेनर डायोड, वैरेक्टर डायोड एंड टनल डायोड, ये तीन डायोड से क्वेश्चन हर हाल में पूछता है। एंड एक इधर से मैंने बताया सोलर सेल बताया, फिर एलईडी बताया, एंड फिर अपना फोटो डायोड, ये चार पांच जो डायोड है ना क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछेगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसमें जो डोपिंग होता है ना, जो जेनर डायोड में डोपिंग लेवल जो होता है, मैं पहले इसे बता दिया हूँ लेकिन फिर से मैं बता दूँ, डोपिंग लेवल जो होता है वो 10^5:1 होता है ना, 1:10^5 होता है इसका डोपिंग। और अगर मैं डोपिंग हाई करूंगा, इनकेस अगर मैं डोपिंग हाई करूंगा तो जो विथ्स ऑफ डिप्लेशन रीजन होता है ना वो रिड्यूस करता है। अब कैसे मैं बोल रहा हूँ विथ्स ऑफ डिप्लेशन रीजन क्या होता है, वो रिड्यूस करता है, ओके ना। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, विथ का फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ठीक है। तो वैसे फॉर्मूला चलो ठीक है, विथ ऑफ डिप्लेशन क्या होता है, कमता है आफ्टर इंक्रीजिंग द डोपिंग, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि ये जो ऑपरेट होता है ना, ऑपरेटेड इन जनरली यूज्ड इन रिवर्स बायस। अब मैं इसके थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल समझा दे रहा हूँ एक ग्राफ बनाकर, है ना, ताकि आप समझ जाओ कि क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है।
मैं ग्राफ बना दूं उसके बाद आपको समझा दूं किस तरीके से ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका है और किस तरीके से ये वर्क करता है। ओके ये रहा, इसके आगे एक तो बना दूं। चलो तो ये अपना एक डायोड है, एक नॉर्मल डायोड, ठीक है ना, इस तरीके से ये वर्किंग करता है। ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये हमारा करंट हो गया। चलो अब अगर एक नॉर्मल डायोड की बात करोगे तो वो फॉरवर्ड बायस में किस तरीके से वर्क करेगा, एक लिनियरली आगे बढ़ते, लिनियर नहीं एक एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ता है एंड करंट का कंडक्शन करता है, यानी ये अपना एक नॉर्मल डायोड की तरह ट्रेड करता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने जेनर डायोड लेकर आया उसको मैंने फॉरवर्ड बायसिंग किया, सपोज मैंने उस जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग किया तो एज अ नॉर्मल डायोड की तरह वो ट्रेड करेगा, एज अ नॉर्मल डायोड जिस तरीके से कंडक्शन करते हैं उसी तरीके से ये भी कंडक्ट करेगा, है ना, एज अ नॉर्मल डायोड। लेकिन अगर मैं इस जेनर डायोड को रिवर्स बायस में अप्लाई करूंगा तो इसके ये भी कंडक्ट करेगा रिवर्स बायस में, बट एज अ नॉर्मल डायोड रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, क्योंकि जो जेनर डायोड होता है वो ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करेगा। तो ये जो ब्रेकडाउन जिस रीजन पे जिस वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन कर रहा है उसको कहते हैं जेनर वोल्टेज कहते हैं, जिस वोल्टेज पे वो ब्रेकडाउन किया है वहां से जो अपना जो वोल्टेज है कॉन्स्टेंट हो जाता है दैट्स कॉल्ड जेनर वोल्टेज कहते हैं, उस वोल्टेज को कहते हैं जेनर वोल्टेज एंड वहां से अपना जो वोल्टेज है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कॉन्स्टेंट वोल्टेज सप्लाई भी कहता हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको एक वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करता हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, थोड़ा इसके बारे में और हल्का समझा दूं मैं, तो आगे जाकर इसको देखोगे, इसको हल्का और आगे बढ़ा दे रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं इसके बाद का बात करूँ, थोड़ा सा इसके बाद का बात करूँ, तो अपने पास जो था ये, अगर मैं एक नॉर्मल डायोड की बात करूँ तो नॉर्मल डायोड होता है यानी उसके बाद में ब्रेकडाउन होता है ना, नॉर्मल डायोड जो पढ़ते हो वो नॉर्मल डायोड इस जेनर ब्रेकडाउन के बाद में ब्रेकडाउन होता है जिसको एवलेंचर ब्रेकडाउन कहते हैं। ओके तो ये जो ब्रेकडाउन होता है ना इसको कभी कभी हम लोग इसको मान लो इसको ब्रेकडाउन मान लो कि नॉर्मल ब्रेकडाउन, इस पे ब्रेकडाउन किया नॉर्मल डायोड ब्रेकडाउन किया। लेकिन अब जब आप कभी कभी रेक्टिफायर वगैरह पढ़ोगे, रेक्टिफायर का स्टडी करोगे, इससे आने वाले चैप्टर में रेक्टिफायर का स्टडी करोगे, वहां पे एक होता है पीक इनवर्स वोल्टेज होता है ना, पीक इनवर्स वोल्टेज हम लोग वहां पर स्टडी करते हैं, तो इसी वोल्टेज को कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, है ना। तो इसके बारे में अच्छे से स्टडी करूंगा मैं रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में, अभी हम लोग को सिर्फ जेनर के बारे में पढ़ना, तो अभी हम लोग सिर्फ इतने रीजन पे ये वर्क करेंगे। और मान लो ये अपना जो करंट है ना ये मिनिमम करंट हो गया, तो आई जेड मिनिमम कहेंगे इसको, है ना, और ये जो करंट मान लो ये अपना आई जेड मैक्सिमम करंट है, तो इसको आई जेड मैक्सिमम, और इसी रीजन में ये वर्क करेगा, इसमें ऑपरेट करेगा। अब देखो हर डायोड का एक लिमिट होता है ना, तो आई जेड मीन से लेकर आई जेड मैक्स तक ये जनरल डायोड वर्क करेगा, उसके बाद अगर करोगे तो जल जाएगा। ओके तो नॉर्मली क्या किया मैंने, क्या क्या बताया आपको, मैं इसको थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, जो करंट होता है ना करंट इंक्रीजेस इंक्रीजेस शार्पली शार्पली इन रिवर्स बायस बट वोल्टेज वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज कॉन्स्टेंट या रिमेन्स कॉन्स्टेंट रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ओके ना। सेकंड थर्ड पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर या फिर because of this used as है ना, used as voltage regulator, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दे रहा हूँ आपको, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डायोड स्टार्ट करूँ। ओके चलो देखो मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि जो जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड को हम नॉर्मली किस रीजन पे वर्क कराते हैं, हम लोग रिवर्स बायस के रीजन पे वर्क कराते हैं। अब जिस रीजन पे जिस वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन होके कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है उस वोल्टेज को कहते हैं जेनर वोल्टेज। इसकी डोपिंग जो होती है वो हाई होती है, कितनी डोपिंग होगी 1:10^5, ठीक है ना, इतना डोपिंग होता है, 10^5 डोपिंग होता है, हेवीली डोप ये डायोड्स होते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि ये मान लो सपोज इसने कभी ना कहीं जिस वोल्टेज पे इसने ब्रेकडाउन किया यानी उसका जो मिनिमम करंट आई जेड मिनिमम हो गया एंड जो मैक्सिमम करंट आई जेड मैक्सिमम हो गया, इनके बीच का जो रीजन है ना इसी रीजन पे ये डायोड जो होता है ऑपरेट होता है ना। तो बस इतना ही बात आपको याद रखना है एंड इसको वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं। ओके ना, इसको वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है मुझे रिवर्स बायस कंडीशन में, ठीक है। तो इतना बात आपको सिर्फ जेनर डायोड के बारे में याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डायोड अपना टनल डायोड, जो इंपॉर्टेंट है ये। ओके नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जिसका नाम है टनल डायोड। मैं नेक्स्ट टॉपिक लिख रहा हूँ टनल डायोड, वो अपना फिफ्थ नंबर का डायोड है टनल डायोड।
तो ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बाकी इसके बाद सारा डाउट्स अपना इजी इजी डाउट है, ठीक है। तो टनल डाउट जो होता है इसको एक अकाउंट नाम से इस, ये भी एक जो होता है ये हेवली डॉप डाउट होता है ना, ये भी डाउट जो होगा वो हेवली डॉप्ड होगा, हेवली डॉप डाउट डॉप डाउट, ठीक है। इसका क्या होता है, इंड अबाउट 3:1 डोपिंग होता है। सेकंड पॉइंट, इसको जो हम लोग इसको ऑल्सो नोन एज इसाकी डाउट है ना, ऑल्सो नोन एज उससे साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना, जिसने इन्वेंट किया था टनल डाउट को, जो इन्वेंट किया था ना डाउट्स को, इसाकी नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने इन्वेंट किया, तो अपने नाम पे उसका नाम कर दिया गया इसाकी डाउट। तो इसाकी डाउट मीन्स टनल डाउट मीन्स इसाकी डाउट, ठीक है। अब जो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो टनलिंग प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है ना, टनलिंग प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओके ना। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, टनलिंग प्रिंसिपल, टनलिंग प्रिंसिपल को समझने थोड़ा सा समझा दूं क्या, टनलिंग प्रिंसिपल देखो हल्का सा समझा दूं मैं, किस तरीके से टनलिंग प्रिंसिपल होता है, ओके। तो आपको मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, हल्का प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ मैं। मान लो यहाँ पे अपने पास, मान लो ये अपने लिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि चलो ठीक है, इस तरीके से टनलिंग होता है, यहाँ से चार्ज के मूव करते हैं, टनलिंग के थ्रू मूव करते हैं चार्ज करिए, तो टनलिंग के थ्रू मूव करेंगे, दैट्स कॉल्ड टनलिंग डायोड, ठीक है ना। बाकी मैं डीपली नहीं जा रहा, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर, तो अगर टनल डायोड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं लास्ट में एक अलग अलग डायोड्स पर वीडियो बनाऊंगा, टनल डायोड हो गया, रेक्टर डायोड हो गया, तो टनल डायोड मेन है, एक्जन डायोड, ये दो डायोड जो होता है ना मेन डायोड होगा, इन दोनों पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो टनलिंग प्रोसेस पर यह वर्क करता है। सेकंड पॉइंट, इसको जो यूज करते हैं ना, इसमें जो मटेरियल यूज करते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग, कौन सा मेटेरियल यूज करते हैं, तो गैलियम आर्सेनाइड को यूज करते हैं टनल डायोड बनाने के लिए, गैलियम आर्सेनाइड। अब इसका कुछ करेक्टरिस्टिक होती है, करेक्टरिस्टिक किस तरीके से होगा मैं थोड़ा सा दिखा देना करेक्टरिस्टिक, एंड उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, यहीं से पूछा है, करेक्टरिस्टिक से ही क्वेश्चन पूछता है। अब ये जो करेक्टरिस्टिक होगा कुछ इस तरीके से होगा, उतना शार्पली नहीं बन पा रहा है, लेकिन देखना इसको और थोड़ा शार्पली करता हूँ मैं ना? चलो, अब ये इसका टनल डायोड का करेक्टरिस्टिक होता है ना, ये वोल्टेज एंड करंट के बीच में रिलेशन है, वोल्टेज एंड करंट के बीच में रिलेशन है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है, सबसे पहला पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं पीक पॉइंट, पीक पॉइंट, एंड इस पॉइंट को कहते हैं वैली पॉइंट, वैली पॉइंट, ये वैली की तरह दिख रहा है ना, इस तरीके से वैली, दैट्स कॉल्ड वैली पॉइंट, है ना, इसलिए इसको वैली पॉइंट कहते हैं। अगर इसको नीचे सिंपली ड्रा करोगे, ये वोल्टेज एंड इस वोल्टेज का कहूंगा वीपी, एंड इस वोल्टेज का कहूंगा वीवी, है ना, पीक वोल्टेज एंड वैली वैली वोल्टेज। अब इन दोनों के बीच का जो रीजन है ना, इन दोनों बीच का जो रीजन, देखो यहां से क्या हो रहा है कि अपना करंट जो है रिड्यूस हो रहा है, पहला फर्स्टली क्या हुआ, इंक्रीज हुआ करंट, फिर देन उसके बाद रिड्यूस हुआ, दैट्स कॉल्ड यहां पे कहीं ना कहीं नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो इस रीजन में जो अपना डायोड्स है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है ना। क्वेश्चन यहां से बनता है कि बताओ कौन सा डायोड जो नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करता है, तो टनल डायोड जो नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। अब अगर मैं मान लो, सपोज कर लो एग्जांपल के तौर पर, यहां से यहां रीजन जो अपना है, ये वाला रीजन, इस रीजन में जो होता है वो टनलिंग के थ्रू अपना करंट, टनलिंग करंट कहते हैं, टनलिंग है ना, टनलिंग करंट, ये जो करंट होगा वो टनलिंग करंट होगा, यानी नॉर्मली कन्वेंशनल करंट होगा, जो नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करते हैं ना, कन्वेंशनल करंट। यहां से अपना क्या होता है, नॉर्मल डाउट की तरह ट्रीट करता है, तीन स्टेप उसका होता है। पहला रीजन टनलिंग करंट के थ्रू, यानी इसको इस वाले रीजन को एक और नाम से जाना जाता है, इस रीजन को कहते हैं लीनियर रीजन, है लीनियर रीजन कहते हैं इसको। अब यहाँ पे आ गया बात, तो लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। देखो एक डायोड्स को पढ़ाने के लिए एक टनल डायोड पे एक अलग वीडियो बनता हो, जेनर डायोड पे एक अलग वीडियो बनता है, ये अपने ही में एक एक घंटा डेढ़ घंटे का टॉपिक है। अब एक से डेढ़ घंटे में मैं सभी डायोड्स को कवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं शॉर्ट करना पड़ेगा मुझे, क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड मैं इसको कर दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप बताओगे, आप मुझे कमेंट करोगे, तो मैं इसके लिए अलग स्पेशल वीडियो बना दूँ, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं होता है, मैं इसको बहुत अच्छे से वर्किंग प्रिंसिपल समझाऊंगा अगर आप बताओगे तो, आपको अगर इंटरेस्टेड हो उसमें, ठीक है। तो ये जो रीजन होता है वो लीनियर रीजन कहते हैं इसको, ठीक है ना, इसको कह दे रहा हूँ लीनियर रीजन। एंड और आगे बढ़ोगे ये पॉइंट्स को, इसको लीनियर नहीं, ओमिक रीजन में कह दो, ओमिक रीजन है, ओमिक रीजन कहो इसको, ओमिक रीजन, ओमिक रीजन,
अब बेटर वर्ड रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ओमिक रीजन से पूछता है, रीजन से नहीं ओमिक रीजन से पूछा है क्वेश्चन। ये अपना नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है, एंड यहाँ पे कह लो एक्सपोनेंशियली, यानी इसको कह दो कौन सा कलर लू, इसको कलर ले लो रेड कलर, देख रहे हैं ना रेड कलर। एंड ये जो होगा ना, ये जो इस वाले पॉइंट यानी बी टू सी पॉइंट, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियली। चलो रहने दो, नॉर्मली समझो कि ओमिक रीजन हो गया, नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है, कन्वेंशनल करंट शो करता है, इतना पॉइंट्स आपको देखना है। तो अब मैं फिर से समझा रहा हूँ इसका, तो सर सिंबल मैंने नहीं बनाया, इसका सिंबल जो होगा कुछ इस तरीके से टनल डायोड का सिंबल होता है, ये टनल डायोड का सिंबल होगा, ठीक है। तो चलो समझते हैं फिर से टनल डायोड के बारे में, एंड इसका एप्लीकेशन लिख दे रहा थोड़ा सा, उसके बाद समझा दो फिर से रिकॉल करा दूँगा। तो एप्लीकेशन क्या है इसका, देखो हमारा मेन मकसद क्या है, मैं लास्ट में सभी को रिकॉल करा दूंगा, ठीक है ना, मैं सभी एक बार कंक्लूजन कर दूंगा, कंक्लूड कर दूंगा। तो पहला एप्लीकेशन क्या है कि इसको माइक्रोवेव में यूज करते हैं ना, माइक्रोवेव सिग्नल जनरेटर के लिए यूज करते हैं, सिग्नल जनरेटर। ये क्या करता है कि माइक्रोवेव सिग्नल जनरेटर यूज कर सिग्नल जनरेट करता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि कौन सा डायोड है जो माइक्रोवेव सिग्नल को जनरेट करेगा, तो टनल डायोड होता है। एक कौन सा रीजन में, इन नेगेटिव रीजन, नेगेटिव रीजन में, ओके ना। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि फास्ट स्विचिंग होता है ना, फास्ट स्विचिंग होता है इसका, का स्विचिंग क्या होता है, फास्ट होता है, ओके। चलो मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूँ इस टनल डायोड को। टनल डायोड सबसे पहले आपने क्या देखा कि ये इसको ये इसमें डोपिंग क्या होता है, हेवरी डोप होता है, 10^3 डोपिंग होता है इसका। इसको ऑल्सो उन्होंने इसको एक और नाम से जाना जाता है, साकी डायोड के नाम से जानते हैं। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, टनलिंग प्रिंसिपल है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि इसका जो करेक्टरिस्टिक होता है, इसमें तीन करेक्टरिस्टिक होंगे, सबसे पहले ओमिक रीजन का लाएगा, सेकंड नेगेटिव रेजिस्टेंस का लाएगा, एंड थर्ड जो कहलाएगा अपना कन्वेंशनल करंट जो होता है, जो नॉर्मल डॉट की तरह ट्रीट करने लग जाता है। वैली पॉइंट के बाद एक नॉर्मल डॉट जिस तरीके से ट्रीट करता है ना, उसी तरीके से टनल डॉट अपना ट्रीट करेगा, ठीक है। तो पीक पॉइंट वैली पॉइंट के बीच में जो भी रीजन कहलाएगा, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव रेजिस्टेंस, वहां पे शो करता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस मीन क्या होगा, वहां पे करंट ऑटोमेटिक डाउन करेगा आफ्टर इंक्रीजिंग द वोल्टेज, ठीक है ना। जब एज वी इंक्रीज द वोल्टेज, देन द करंट जो होगा वो रिड्यूस करेगा टनल डायोड, ठीक है। इस रीजन को कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस, और इसी रीजन में हम लोग माइक्रोवेव सिग्नल को जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं माइक्रोवेव सिग्नल जनरेटर में। और सेकंड इसका जो एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन जो हुआ कि हम लोग इसको फास्ट स्विचिंग की तरह यूज करते हैं, जो फास्ट स्विचिंग डायोड कहलाता है, डिवाइस कहलाता है। तो अब नेक्स्ट जो अपना बच्चा, उसको कहते हैं शॉटकी डायोड्स, एंड ये लगभग अब एंड हो गया हमारा ये वीडियो। तो पॉइंट नंबर 6 हमारा जो हो गया शॉटकी डायोड कहलाता है ना, इस शॉटकी तो स्पेलिंग देख लेना, शॉटकी का स्पेलिंग सही कि नहीं, डायोड। देखो अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सिर्फ पॉइंट्स को समझो कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछता है, मैं उतना वर्किंग प्रिंसिपल नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल समझाऊंगा तो एक वीडियो में मुझे 1 घंटा लग जाएगा, यानी एक टॉपिक में, एक डायोड में मुझे 1 घंटा लगेगा, और उतना आपके पास टाइम भी नहीं है, मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है। लेकिन अगर बोलोगे कौन कौन से डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल समझाना, तो हमें कमेंट करना, इसी वीडियो के नीचे में कमेंट कर देना कि सर इसका वर्किंग प्रिंसिपल मुझे समझा दीजिए, मैं पक्का वीडियो बनाकर उस पर डाल दूंगा, ठीक है। चलो तो इसको क्या कहते हैं, हाउ कैरियर डायोड भी कहते हैं इसको। अब इसका जो इसका अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है, आपने नॉर्मली पढ़ा, जितने भी डायोड्स आपने देखा, एक पी और एक एन है ना, दो डायोड्स, दो सेमीकंडक्टर था, एक पी टाइप एक एन टाइप सेमीकंडक्टर था, और दोनों से क्या बनाते, एक जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई जंक्शन प्रेजेंट ही नहीं होते, ये ऐसा डायोड होता है ना शॉर्टकट डायोड, इसमें कोई जंक्शन प्रेजेंट ही नहीं होता। ये कैसा डायोड होता है, थोड़ा सा दिखाता हूं आपको डायोड का स्ट्रक्चर। तो चलो देखो, ये डायोड ले लो है ना, एंड इधर कुछ एक बना दो, ये अपना जो रीजन कहलाएगा, ये हमारा एन टाइप रीजन कहलाएगा है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा इधर, एंड ये अपना जो रहेगा वो मेटल रहेगा है ना, इधर एक टर्मिनल एंड देन इधर एक टर्मिनल। ये जो मेटल रहेगा, ये कैसा मेटल रहेगा, एल्युमिनियम का मेटल रहेगा है ना। दैट्स कॉल्ड ये शॉटकी डायोड कहलाता है, जो एक मेटल एंड एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी एक सेमीकंडक्टर के थ्रू बनता है शॉटकी डायोड, इसलिए इसके पास कोई जंक्शन नहीं होता। तो कभी कभी क्वेश्चन मैंने एक जगह देखा था कि बताओ कौन सा ऐसा डायोड जिसके पास कोई जंक्शन नहीं प्रेजेंट होता, और ऑप्शन दिया था, वहां पर शॉटकी डायोड का भी ऑप्शन दे रखा था, दैट्स कॉल्ड शॉटकी डायोड, यहाँ पे कोई जंक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, ओके ना। तो अगर जंक्शन प्रेजेंट नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे तो उसे लिख दे रहा हूँ एक पॉइंट, फॉर्म्ड बाई द, लिख दे रहा हूँ फॉर्म्ड बाई एल्युमिनियम मेटल, मेटल विथ एन टाइप है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि इसमें कोई अगर जंक्शन नहीं होगा तो कोई डिप्लेशन रीजन नहीं होगा ना, तो नो डिप्लेशन
डिप्लेशन लेयर, नो डिप्लेशन लेयर है ना, इज फॉर्म्ड। अगर डिप्लेशन लेयर नहीं होगा तो अब देखो आप नॉर्मली आपने क्या देखा कि एक जैसे मान लो एक ने पढ़ा आपने बाइपोलर पढ़ा, एक बीजेटी पढ़ा था, एक पी इंजेक्शन डायोड पढ़ा था। जो पी इंजेक्शन डायोड था वो बाइपोलर था, सॉरी यूनिपोलर था, और आपने एक बीजेटी पढ़ा तो बाइपोलर था, है ना। आपने करंट कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन दोनों में से आपने देखा। उसी तरीके से ये जो आपने है ना, ये डायोड कैसा है, यूनिपोलर डिवाइस है ना, यूनिपोलर डिवाइस है, ये यूनिपोलर डिवाइस का। यहाँ पे जो करंट का कंडक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही कंडक्शन होगा, ठीक है ना। अब ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो इसको एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मेजोरिटी, मेजोरिटी चार्ज कैरियर। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चार्ज डिवाइस, चार्ज कैरियर डिवाइस, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस कह रहा हूँ, कैरियर मेजोरिटी कैरियर डिवाइस। अब देखो मैं इसको मेजोरिटी कैरियर डिवाइस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास एक एंटायर सेमीकंडक्टर है, एक एल्युमिनियम मेटल है। तो एल्युमिनियम मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, मेटल मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, एंड एंटायर सेमीकंडक्टर मीन्स वहां पे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मतलब सॉरी फ्री नहीं, वहां मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो अगर मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स इधर भी है एंड मेटल में भी, मेटल में भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो कहने की जो मेजोरिटी होगी, मेजोरिटी किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो करंट का कंडक्शन होगा तो मेजोरिटी के कारण होगा, इसलिए इसे कहते हैं मेजोरिटी, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं देखो हर चीज के रीजन देते चल रहा हूँ कि क्यों इसको इस रीजन से, इस नाम से क्यों जानते हैं। एंड सेकंड, इसको कहते हैं वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस, ये होता है वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस, स्विचिंग डिवाइस, ठीक है ना। वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस कैसे हुआ, जिससे मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर, इसका करेक्टरिस्टिक देखो थोड़ा सा, एज अ नॉर्मल डायोड की तरह ट्रीट करेगा, ओके ना, नॉर्मल डायोड किस तरीके से होता है ना, लेकिन ये जो कंडक्शन करता है ना, ये थोड़ा सा पहले कंडक्ट कर लेता है, जो कहते हैं वी गामा से कंडक्शन होता है, एंड ये जो कंडक्शन है अप्रॉक्स टू पॉइंट टू से लेकर पॉइंट थ्री के बीच में कंडक्ट कर देता है, ठीक है ना, इसलिए वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस होता है ये। इसका जो सिम्बल्स होता है, सिम्बल्स मैं बना दे रहा हूँ, कभी कभी सिम्बल्स कुछ तरीके से पूछता है, बना दे रहा हूँ सिम्बल्स। जो सिम्बल्स होगा ना, पहला सिम्बल कुछ इस तरीके से होगा, ओके ये रहा, इसको कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम्पल एग्जाम में देता है, कुछ सिम्बल जो देगा उसको कुछ सिंबल इस तरीके से भी दे देगा, है ये हो गया, ये घुमा रहेगा, यानी इस तरीके से घुमा लॉक की तरह रहेगा ना, इस तरीके से लॉक रहेगा वो, तो एक ये भी हो गया, यानी ये भी हो गया। शॉर्ट की डॉट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, सिंबल्स हो गया। तो मैंने सभी कुछ बताया, पहला क्या मैंने बताया कि शॉर्ट की डॉट जो होता है हॉट कैरियर डायोड्स भी कहते हैं, क्वेश्चन आया आ चुका है, क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है कि बताओ हॉट कैरियर डायोड्स किसको कहते हैं, हॉट कैरियर डिवाइस क्या होता है, शॉर्ट की डायोड्स, ठीक है ना। इसका जो लेयरिंग होता है, लेयरिंग में क्या क्या होते हैं, मेटल्स रहेंगे एंड एक इन डेप्थ सेमीकंडक्टर रहेगा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि इसका जो करंट का कंडक्शन है कैसा डिवाइस है, यूनिपोलर डिवाइस है, यूनिपोलर मींस करंट का कंडक्शन ओनली इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्टर कंडक्शन होगा। इसको कभी कभी मेजोरिटी कैरियर डिवाइस भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मेटल है एंड एक इंटैक्ट सेमीकंडक्टर है, दोनों में जो मेजोरिटी क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का रहेगा, इसलिए इसे मेजोरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस भी कहते हैं। सेकंड, ये वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस है, इसका जो वी गामा होता है ना, जो ये कट इन वोल्टेज होता है या ब्रेकडाउन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज कह लो, वो 0.2 वोल्टेज से 0.3 वोल्ट के बीच में रहता है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कहते हैं वैरेक्टर डायोड है ना, जो नेक्स्ट है वैरेक्टर डायोड टॉपिक। तो 7 नंबर का जो डायोड है अपना वैरेक्टर, वैरेक्टर डायोड जिसको हम नाम से जानते हैं वैरी कैप, इसके बारे में आपने पढ़ा था पी इंजेक्शन डायोड में, इसके बारे में मैंने बता दिया था, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लो समझ लो। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ओके, सेकंड, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस सीटी जो होता है वो कहने के एप्सिलॉन ऑफ सिलिकन एरिया ऑफ डब्ल्यू है ना, पता नहीं फॉर्मूला, फॉर्मूला था क्या होता है, सी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए अपॉन WD, yes, normally capacitor का formula होता है, तो W यहाँ पे क्या width है ना, W is equal to D, width है वो, and E A area हो गया, and C means transition capacitance, इस तरीके से relate किया था मैंने आपको, relate करवाया था। अब जो CT होता है ना, अब देखो होता क्या कि जैसे ही width अपने increase करेगा, CT अपना क्या होता है, reduce करता है। अब ये कौन से रीजन पे वर्क करेगा, तो ये जो वर्क करता है ना, ये अपना मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ओके ना, मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, कहाँ पे लिखूँ, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो कौन से रीजन में वर्क करेगा, ये जो होगा ना, ये रिवर्स बायस रीजन पे वर्क करता है, रिवर्स बायस रीजन में वर्क करेगा। इसका जो सिंबल्स होता है कुछ इस तरीके से सिंबल होगा,
वेरी कैप, ये अपना वेरी कैप की तरह होगा, वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। ये इसमें हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन, इसका क्या है, एप्लीकेशन लिख दे रहा हूँ मैं, इसका एप्लीकेशन है एफएम रिसीवर में, एफएम रेडियो में कह लो, एफएम रेडियो में इसका एप्लीकेशन है। सेकंड, इसको ट्यूनिंग सर्किट में यूज करते हैं ज्यादातर, ट्यूनिंग सर्किट, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि ट्यूनिंग सर्किट में कौन सा डायोड को यूज करते हैं, तो अपने आ गया वैरेक्टर डायोड, ठीक है ना। ट्यूनिंग सर्किट में वैरेक्टर डायोड को यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बोला कि जो अपना विड्थ अगर इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिक रिड्यूस करेगा, तो रिवर्स बायस में जो होता है ना, रिवर्स बायस में अपना विड्थ इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है आपको पता है, आपको एक रिलेशन पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो क्या रिलेशन होता है, विड्थ ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होता है, टू एप्सिलॉन अपॉन क्यू इन टू ऑफ वी नॉट प्लस वी आर वन अपॉन एन ए प्लस वन अपॉन एन डी, है ना, होता है ना ये फॉर्मूला। यहाँ पे अगर मान लो सपोज विड्थ बढ़ेगा, मान लो क्या आपने क्या बताया कि जैसे वोल्टेज को बढ़ाओगे, रिवर्स बायस वोल्टेज क्या होता है, वी आर वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो अपना डिप्रेशन विथ इंक्रीज करेगा, डिप्रेशन विथ इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि अपना सीटी जो है डाउन करेगा ऑटोमेटिक, ओके ना। तो कैपेसिटेंस यहाँ से डाउन करता है, ये इसका रिलेशन होता है। तो यहाँ तक अपने वेरिएबल कैपेसिटर यानी डायोड्स को, ये वैरैक बारे में यानी कि ये वैरेक्टर के बारे में मैंने बताया। अब एक दो डायोड्स और है जो कभी कभी पूछा है, तो डायोड्स यहाँ पे एक दो डायोड्स और ले रहा हूँ जो सिंपल ही है, उसको सिर्फ सिंपली मैं बताऊंगा कि सिम्बल्स वगैरह क्या है, ठीक है। चलो, जो 8 नंबर हो गया ना, 8 नंबर डायोड्स, 8 नंबर डायोड्स क्या है, पहला हो गया गन डायोड, गन डायोड ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है तो बता दे रहा हूँ। गन डायोड, गन डायोड जो होता है वो हेवली डोप्ड होता है, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, जैसे टनल डायोड होता है ना उस तरीके से, ये भी नेगेटिव रेजिस्टेंस पे वर्क करता है, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर में भी, नेगेटिव रेजिस्टेंस लाइक अ टनल डायोड, है ना, लाइक टनल डायोड, टनल डायोड, जैसे टनल डायोड होता है ना उस तरीके से गन डायोड भी नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है। सेकंड, इसमें जो कंसिस्ट होता है ना ऑनली, जैसे मान लो इसको मैं बना ही देता हूँ तुरंत, कुछ इस तरीके से बनेगा, एंड ये जो रहेगा वो ओनली एन ही एन होगा, है ना, एन प्लस रीजन, एन प्लस रीजन, नॉर्मली एन, ये खाली सिर्फ एन एन मटेरियल, एन टाइप सेमीकंडक्टर से ही बनता है, ठीक है ना। गन डायोड में क्या, दो पार्ट मैंने बताया, एक नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, सेकंड मैंने बताया कि इसमें तीन लेयर होता है, तीनों एन टाइप सेमीकंडक्टर से ही बनेगा, ओके। चलो, पॉइंट नंबर 9, सो डायोड नंबर 9, डायोड नंबर 9 होता है पिन डायोड, अब मैं शॉर्ट में इसको खत्म कर रहा हूँ, पिन डायोड, है ना, पिन डायोड, पिन डायोड का जो सिंबल्स होता है कुछ इस तरीके से, उसमें भी होता है, यहाँ पे जो होगा हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा, इधर जो रहेगा अपना एन टाइप रहेगा, एंड यहाँ पे इंट्रेंसिक रहेगा, है ना, इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर यहाँ पे रहेंगे, ओके। अब ये जो पिन डायोड होता है ना, ये थ्री लेयर डिवाइस होता है, ये थ्री लेयर डिवाइस होगा, थ्री लेयर होगा इसमें, थ्री लेयर कौन सा होगा, पहला लेयर जो होगा फर्स्ट लेयर अपना होगा, एक पी टाइप होगा, एक पी टाइप होगा, ओके। सेकंड लेयर जो होगा अपना एन टाइप होगा, सेकंड लेयर लिख लो यहाँ पे, इंट्रेंसिक लिख लो पहले, इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक, एंड थर्ड लेयर जो अपना होगा वो एन टाइप होगा, ओके ना, इस तरीके से होता है। चलो, इतना ही आपको पढ़ना है, तो ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। एक एक और होता है पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड, एक और लिख लो पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड, 10 नंबर पे पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड, पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड, ये सब कभी पूछ देता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड क्या होता है। तो पॉइंट कॉन्टैक्ट जो डायोड होता है ना, इसमें जो इसको ऑल्सो नोन है, ऑल्सो नोन है, ऑल्सो कैट विश्कर, ये क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, कैट विश्कर, स्प्रिंग देख लेना विश्कर का, कैट विश्कर डायोड कहते हैं, या फिर इसको और नाम से जानते हैं क्रिस्टल डायोड कहते हैं इसको, क्रिस्टल डायोड, ओके ना। अब ये कैट विश्कर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये डायोड जो होता है कुछ इस तरीके से होगा, डायोड होगा ये होगा, एंड ये अपना एक रीजन, ये अपना जो रहेगा ये एन टाइप से भी कनेक्ट रहेगा, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से वायर रहेगा, इस वायर को कहेंगे कैट विश्कर वायर कहते हैं, जो थिन स्प्रिंग होता है, ये थिन स्प्रिंग रहेगा, ओके ना, एंड ये हमारा एनोड हो गया, एंड ये हमारा कैथोड हो गया, इस तरीके से इसका डोनेशन नोटेशन होता है। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड क्या होता है, कैट विश्कर डायोड भी कहते हैं, क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं, ठीक है ना। उसमें थिन स्प्रिंग की तरह कैट विश्कर होता है, जिसको सेमी कंडक्टर कहलाते हैं, उसको एन टाइप सेमी कंडक्टर है, ये कैसा है, ये एन टाइप सेमी कंडक्टर है, यहाँ पे एन टाइप है ना, एन टाइप सेमी कंडक्टर है। चलो, मैंने सारा कुछ कंक्लूड कर दिया, इतना डाउट्स बहुत है, लेकिन इससे ज्यादा अगर डाउट्स आपको पता है तो आप मुझे इनके बताना, जो क्वेश्चन आया है उससे, है ना, ऐसा नहीं कि बस सब डाउट, तो बहुत सारा डाउट, बहुत सारा पढ़ना है, ऐसा नहीं, लेकिन हर डाउट से क्वेश्चन आना चाहिए, हर डाउट से बनना चाहिए। और अगर इसमें से कुछ ऐसा आपको डीपली में पढ़ना है, डीपली में एनालिसिस करना, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, ठीक है।